अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, क्या कहते हैं, मैं सोच रहा था यार कि हम लोग ना स्टैंडर्ड्स, IFRS स्टैंडर्ड्स और IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मतलब कि मैं इंशाल्लाह अपना कुछ वीडियोस बनाऊंगा, लेक्चर वीडियोस कह लो या जेनेरिक जनरल वीडियोस कह लो, ऑन द टॉपिक जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इनकी थ्योरेटिकल इंप्लीकेशंस और प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस पर। कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा, लाइक अच्छा ये रेलिवेंट किसके लिए होगा, ऑब्वियसली बात है ACC के लिहाज से देखा जाए तो F3 के लिए रेलिवेंट हो सकता है, F7 के लिए और SBR जो हमारा प्रोफेशनल पेपर है उससे रेलिवेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा नहीं, कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन इस पर सीखेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज हो। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे साथ अपना ये हुआ था कि मुझे शुरू में ना समझ नहीं आई, कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, लेकिन जब मुझे वो प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ आई तो मैंने कहा यार भला के स्टैंडर्ड्स है, मज़ा आ गया स्टैंडर्ड्स का। तो तुम लोगों के साथ भी शेयर करूँगा भाई, तुम लोग जो पढ़ रहे हो वो ज़रूर इस स्टैंडर्ड को देखो, बाकी भाई का अपनी दुआओं में याद रखो, मौजे मारो, रोटी खाओ छोटी खाओ जो मर्ज़ी खाओ, दुआओं में याद रखो और दुरूद पाक पढ़ा करो। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।